हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन नंबर 13, लेट्स वेट। तो ये आपको दिया है एक मोनोलॉग। मोनोलॉग का मीनिंग होता है आत्मकथा, या फिर जैसे कि हम खुद के बारे में ही कुछ बताते हैं तो उसे मोनोलॉग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि एक छोटी सी लड़की है जो अपने बारे में कुछ आपको इस लेसन में बताती है। When things go against their wishes, little children sometimes feel very sad and lonely. तो देखिए, जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कोई विश होती है या फिर कुछ करना चाहते हैं और उनके अगेंस्ट अगर कुछ होता है या फिर उन्हें नहीं करने दिया जाता है तो क्या होते हैं, सैड हो जाते हैं, लोनली फील करते हैं। दे डोंट रियलाइज़ हाउ मच द पीपल अराउंड देम लव देम। तो उन्हें ये रियलाइज़ ही नहीं हो पाता है कि उनके अराउंड जो भी लोग हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स से, वो उनसे कितना प्यार करते हैं। इट्स ओनली वेन दे वेट एंड थिंक प्रॉपरली दैट दे अंडरस्टैंड इट। लेट्स हियर व्हाट दैट गर्ल हैज़ टू से। तो इस लेसन में भी आपको क्या दिया है कि एक लड़की है जो बताना चाहती है कि कैसे वो सैड है और किस रीज़न के कारण वो सैड है। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जनरली उन्हें क्या लगता है कि जो भी वो चाहते हैं वो उनके जो पेरेंट्स हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो, उन्हें करना ही चाहिए, उन्हें किसी भी बात के लिए रोकना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। जो हमारे घर के मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स हो, जो भी लोग हमारे सराउंडिंग में होते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि उसमें आपका कोई नुकसान ना हो, तो इसीलिए वो मना कर देते हैं। लेकिन छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर भी एक छोटी लड़की है जो क्या कहती है वो हम देखेंगे। दिस इज़ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो देखिए, उसने सबसे पहले क्या कहा है कि ये सबसे बुरा दिन है मेरी लाइफ का। आई एम फीलिंग वेरी सैड। वो कैसा फील करती है? सैड फील करती है। You may not believe it, but I am the saddest person on this earth. आगे वो क्या कहती है कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सैडेस्ट मीन्स क्या, दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी पर्सन कौन होगा इस अर्थ के ऊपर? तो वो मैं हूँ। द रीज़न इज़ दैट नोबडी लव्स मी। और इसके पीछे रीज़न क्या है, वो सैड क्यों है? क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता है। आई हैव अ फैमिली, मम्मी, डैडी, ग्रैनी एंड अ यंगर सिस्टर। तो उसने अपने फैमिली के बारे में बताया है कि उसके फैमिली में उसके मम्मी पापा है, उसकी ग्रैनी है, ग्रैंड मदर है और उसकी छोटी बहन भी है। आई हैव बीन सिटिंग हियर बिहाइंड दिस सोफा फॉर द होल डे, ओके, फॉर द लास्ट 8 आवर्स। तो उसने क्या कहा है कि ये सोफ़ा है और सोफे के पीछे वो क्या पूरे दिन तक बैठी है। बाद में वो बोलते कि पूरा दिन नहीं, लेकिन लास्ट 8 आवर्स मीन्स पिछले 8 घंटे से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ऑल राइट, एटलीस्ट एन आवर मीन्स उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 1 ही घंटा हुआ होगा या फिर कुछ मिनट हुए होंगे, लेकिन उसे ऐसे लगता है कि काफ़ी समय से वो वहाँ पे बैठी है और उसे वहाँ पे कोई भी बुलाने के लिए नहीं आया है। एटलीस्ट 10 whole minutes एंड नो वन हैज़ नोटिस। तो बाद में वो कहती है कि एटलीस्ट 10 मिनट्स तो हुए होंगे मुझे यहाँ पे आके लोग, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया या फिर कोई मुझे मनाने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। देखिए पिक्चर में आपको दिया है, तो ये छोटी सी लड़की है जो सोफे के पीछे जाके बैठी है। दे आर ऑल इंटरेस्टेड ओनली इन माई सिस्टर। तो उसे ऐसे लगता है कि सारे लोग जो है उसकी छोटी सिस्टर में ही इंटरेस्टेड है। इवन वेन शी क्राइज फॉर नो रीज़न, दे ऑल रश टू हर, पिक हर अप एंड गिव हर वॉट एवर शी वॉन्ट्स। तो क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें एक तो बोलना नहीं आता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें भूख लगती है या फिर कुछ भी तकलीफ होती है तो वो रोते हैं। तो वो रोते क्यों है, यही समझने के लिए सारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनके पास होते हैं, उन्हें जल्दी से उठा लेते हैं, उन्हें शांत कराते हैं। तो ये जो लड़की है उसे ऐसे लगता है कि सारे के सारे लोग सिर्फ मेरे छोटी बहन के तरफ ही ध्यान देते हैं और मेरी तरफ नहीं देते हैं। आई शुड रियली गो अवे एंड लिव इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो वो ये सोच लेती है कि यहाँ पे कोई मुझे समझने वाला नहीं है, तो मुझे ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे इंटरेस्टिंग प्लेसेस होंगी। आई थिंक आई विल बिकम अ हर्मिट एंड वॉन्डर इन द माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। तो वो कहती है कि मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मुझे क्या बनना चाहिए। हर्मिट का मीनिंग होता है जैसे कि सन्यासी वगैरह या फिर अकेले रहने वाले जो लोग होते हैं। तो वो सोचती है कि मैं भी ऐसे कुछ बन जाऊँ और फिर माउंटेन्स और फॉरेस्ट में चली जाऊँ। आई विल ईट द फ्रूट ऑन ट्रीज एंड मेक फ्रेंड्स विद बर्ड्स एंड एनिमल्स। और वहाँ पे जाके फॉरेस्ट में रह के जो ट्रीज होंगे वहीं से मैं फ्रूट खा लूँगी, वहीं पे अपने फ्रेंड्स जो है बर्ड्स एनिमल्स को बना लूँगी। और आई कुड राइड अवे ऑन अ कैमल एंड लिव इन अ डेजर्ट। तो वो ये भी सोच लेती है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, उसके बाद मैं डेजर्ट में रहूँगी जहाँ पे कैमल होगा, कैमल के ऊपर बैठ के मैं घूमूंगी। एट नाइट आई विल स्लीप इन अ टेंट। और रात में मैं सिर्फ क्या करूँगी, यहाँ पे टेंट में जाके सो जाऊँगी।
और बेटर स्टील आई विल ट्रैवल टू द नॉर्थ पोल एंड लिव इन एन इग्लू मेड ऑफ आइस। उसके बाद वो ये भी सोच लेती है कि मैं अच्छा होगा कि इससे सबसे अच्छा होगा कि मैं कहाँ पे ट्रैवल करूँ, नॉर्थ पोल पे जहाँ पे हर जगह पे क्या होती है, आइस होती है, बर्फ ही बर्फ है, और वहाँ पे इग्लू में रहते हैं लोग। तो वो सोचती है कि मैं वहाँ पे इग्लू बना लूँगी और वहीं पर रहूँगी। आई विल मेक अ फ्रेंड्स विद द पोलर बियर, और वहाँ पर जो पोलर बियर होते हैं उनको ही मैं अपना फ्रेंड बना लूँगी। तो देखिए वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट में बैठे बैठे वो इतना सारा सोच लेती है। वॉट्स दैट समथिंग सॉफ्ट अगेंस्ट माई बैक, तो उसी समय उसे कुछ ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है उसके बैक के ऊपर। ओ इट्स बेबी, वो इट्स अ बेबी, वॉट आर यू डूइंग हियर यू सीली, गो अवे, डोंट स्माइल एट मी। तो जब वो वहाँ पे बैठी थी तभी वो छोटी उसकी जो बहन होती है वो वहाँ पे आके उसे हाथ लगाती है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और मुझे देखकर स्माइल बिल्कुल भी मत करो, यहाँ से चली जाओ। वाई डू यू फॉलो मी, इज़ देयर नोबडी एल्स इन द हाउस टू लुक आफ्टर यू। तो वो ये सोचती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो और तुम्हें संभालने के लिए घर में कोई नहीं है क्या। डोंट कम हियर, यू मे बम्प इन टू समथिंग एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग। तो आगे वो ये कहती है कि तुम यहाँ पर मत आओ, तुम्हें कुछ चीज़ लग जाएगी और फिर सारे के सारे लोग मुझ पर ही चिल्लाएंगे। वाई डू यू हैव टू डू एवरी थिंग दैट आई डू, कॉपी कैट। तो वो ये कहती है कि मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ तो तुम भी मेरे पीछे पीछे क्यों आती हो, और जो भी मैं करती हूँ वही तुम्हें क्यों करना होता है। और वो उसे कॉपी कैट कहती है क्योंकि क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बच्चों को देख कर ही सीखते हैं। तो इसीलिए जब देखिए आप, अगर आपके घर में भी छोटा बेबी होगा तो आपने भी ये देखा होगा कि जब आप रीड करने के लिए बुक लेते हो, स्टडी करने के लिए बुक्स निकालते हो, उन्हें कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी उन्हें स्टडी करनी होती है, वो भी बुक खींचते हैं, पेंसिल खींचते हैं। तो जो भी आप करोगे वही उन्हें भी करना होता है। ओ नेवर माइंड, रियली द पीपल इन दिस हाउस दे शुड लुक आफ्टर हर बेटर। आई एम अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, आई कैन मैनेज ऑन माई ओन, बट वॉट अबाउट दिस लिटिल बेबी, कम बेबी लेट्स क्रॉल आउट फ्रॉम हियर। तो वो ये सोचती है कि इस घर के जो लोग हैं उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आती है कि मैं बड़ी हूँ तो खुद का ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन ये छोटी बेबी है तो इसका ख्याल लोगों को रखना चाहिए था। तो वो बाद में उसे कहती है कि चलो हम यहाँ से निकलते हैं। When I go away, I will take you with me. और आगे वो कहती है कि मैं अगर यहाँ से जाऊँगी या फिर यहाँ से दूर कहीं जाएंगे तो मैं तुम्हें साथ में लेके जाऊँगी। और you will keep crying for me all the time and they won't even guess what the matter is with you. तो वो कहती है कि तुम सारा दिन सारा पूरा टाइम जो है मेरे लिए रो रही हो, लेकिन फिर भी उन्होंने गेस भी नहीं किया कि क्या हुआ है या फिर मैं यहाँ पे बैठी हूँ इसलिए तुम रो रही हो। आई रियली कांट गो अवे व्हेन यू आर सो स्मॉल, लेट्स वेट टिल यू आर अ लिटिल ओल्डर। तो वो कहती कि अभी मुझे कहीं पर भी बाहर नहीं जाना है, मैं यहाँ से दूर नहीं जाऊँगी जब तक तुम थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाती हो, तो मैं वेट करूँगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं जाऊँगी। तो इस तरीके से, तो देखिए जनरली हर घर में हमें ये दिखाई देता है कि बड़े बच्चे जो होते हैं ऐसे लगता है कि सारा प्यार जो छोटे बच्चे हैं उनको ही मिलता है, एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है, उन्हें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो छोटे होते हैं, इसलिए पेरेंट्स भी जो है छोटे बच्चों को ध्यान देते हैं। लेकिन आप ग्रोन अप हो, बड़े हो चुके हो तो आपको भी ये समझ में आना चाहिए और आपको आपके पेरेंट्स की या फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी भी केयर करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।